इसमें मौजूद सेंट मेरी स्कूल में यहाँ पे स्वच्छता को लेकर काफ़ी अभियान रखा गया है, जिसमें लोगों को यहाँ पे समझाया जा रहा है, जो यंग जनरेशन है उन्हें किस तरह से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया जा रहा है। वह जगह किसी तरह के स्टॉल लगे हुए हैं स्वच्छता के प्रति। वह जगह नवी मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भी आ चुके हैं, इसमें सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। वह जगह वाहतुक विभाग के पुलिस भी यहाँ पर शामिल हैं। किस तरह के यंग जनरेशन को समझाया जाए कि आने वाले समय में किस तरह का, नवी मुंबई स्मार्ट सिटी तो है ही लेकिन स्वच्छता के बारे में 2018 में किस तरह का प्रस्ताव रखा जा रहा है, इसमें इस तरह के लोग अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ कहना है कमिश्नर का, वही जगह यहाँ के प्रिंसिपल का क्या कहना है, बच्चों के प्रति किस तरह का रुझाव है। And I'm sure the credit goes to the mother.
मम्मी ने बहुत मेहनत किया है दोनों लाडली बेटियों को तैयार करने में. They look fabulous. मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा साक्षात सुभाष चंद्र बोस स्टेज पे पधार रहे हैं. पापा और बेटे का प्लान है फैशन शो खत्म होते ही सीधा यहाँ से फ्लाइट बुक करो और मॉरिशियस निकल जाओ. मम्मा घर पे खाना पकाती रहेगी. क्या बात है, जूनियर पापा को सिखा रहा है हाउ टू वेयर द हैंड. पापा को टेंशन आ गया, बेटा हाथ ऊपर करूंगा मम्मी मारेगी. Looks beautiful. That shows the confidence in papa and daughter's relation. Thank you, fathers, for being so supportive. मुझे तो ऐसा लगता है अगर सारे पापास को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए दे आर केपेबल ऑफ गिविंग अ नाइस परफॉर्मेंस एंड स्पेशली इफ वी कैन एनकरेज देम इंडिविजुअल कैटवॉक भी अच्छा कर सकते हैं. सो नेक्स्ट ईयर आई थिंक वी शुड हैव ऑल पापास मॉडलिंग. व्हाट अबाउट मम्मास, व्हाट डू दे से अबाउट दिस? स्वच्छता कार्निवल एकदम चांगला आहे. सेंट मेरी स्कूल कोपर खैराने पहिल्यांदा हा त्यांचा कार्निवल स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर घेतलेला आहे. त्याच्या मी सर्व स्टॉल्स बघितले, पेरेंट्स आणि त्याच्या मुलांच्या त्याच्या पेंटिंग्स असेल, त्याच्या स्टॉलमधलं मटेरियल असेल, हा आपल्या स्वच्छता संदर्भात लहानपणी मुलांना ते पाहिजे हा एक महत्त्वाचा घेतलेला आहे. असं एक अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक घेऊन हा कार्निवल केल्याबद्दल मी सेंट मेरी स्कूलच्या मॅनेजमेंटला पण मी शुभेच्छा देतो, धन्यवाद पण देतो. इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग दॅट अवर यंग वन्स कुड टेक इट अप इन द प्रॉपर ऑर्डर अँड सेलिब्रेट इट बिकॉज ऑन द व्हेरी डे ऑफ रिपब्लिक of India. It's amazing to see that the young ones have owned it and getting into the mind of celebration. So we look forward to see that the country will be improving properly and the youngsters will be leaving the legacy of the riches of the country. Yeah, this is in a big way and all the parents are also actively involved in the whole thing. Yeah, this is the cleanliness is the basics for everything. As we say, cleanliness is next to godliness, and more than that, every person has to be clean and tidy. Recently, a couple came to me, and the boy accused that the lady doesn't take a shower or anything. So that is at the verge of separation. So likewise, so many issues are there. First thing that I would like to say is a very happy Republic Day. This is the 69th Republic Day, and a message should go across to all the people that we mean what we say. We want the world clean. It begins from home. So today we have kept eco-friendly manner by St. Mary's ICSE school. We want to start the cleanliness inside the school. Parents will take it out further. Students will take it out of school. We want this entire place clean, because if the environment is clean, then everyone is healthy and there is plenty of hygiene. So there is no other better day. Today is the day, Republic Day. It is for the people to take this mission forward and let this message go to every Indian. Every Bharatvasi should take it from here that let us work at the mission, what Modi ji says, what the Prime Minister says. Let's do it. India can do it. All we need is take a broomstick, start working for cleanliness in our place, and then they move it on further. If each one of us works with a mission, we can surely make this place into a better place.
जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो सबको बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिवस के लिए, और दूसरी बात कि ये जो हम कार्निवल ऑर्गेनाइज किए हैं वो हमारे स्वच्छ भारत का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, तो हमारे कार्निवल का पूरा थीम उसी पे बेस्ड है। इसीलिए हमारा लोगो भी अगर आपने देखा होगा, स्वच्छ, स्वस्थ, स्वदेश, एक ही सबको मैसेज है कि हमें अपने प्रधानमंत्री का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है, उसमें उनका हाथ बटाना है। तो इसीलिए हमने ये कार्निवल ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को भी ये संदेश दिया है कि सबको स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए, और नवी मुंबई जो पहले भी 8वें स्थान पे आ चुका है स्वच्छता के आधार पर, तो इस बार तो हमको पहले नंबर पे आना है। सबसे पहले आज जो गणतंत्र दिन हम मना रहे हैं उसके लिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। उसके साथ जो एक समाज का एक अहम घटक जो समाज के साथ चलता है, समाज के साथ चलता है रहता है, उस हिसाब से हमने हमारे स्टाफ के साथ, हमारे सुपीरियर्स के सूचनाओं के अनुसार कुछ स्कूल्स या कुछ फंक्शंस या कुछ बाइक रैलीस हम अरेंज करके लोगों में रोड सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी का कंसेप्ट क्या है वो उनको बताने के बारे में जो भी हम करना कर सकते हैं वो हम सबको उनको दिखा रहे हैं। जैसे कि हेलमेट पहनिए, वो आपके जीवित के लिए अच्छा है, सीट बेल्ट पहनिए, वो भी आपके जीवित के लिए अच्छा है, जो भी चीज़ें छोटी छोटी है उसको आप इलेबोरेट करके लोगों को इसका महत्व हम बता रहे हैं बस। और जो यहाँ पे सेंट मेरी स्कूल जो है हमारे कोपर खैरने में, उन्होंने एक अच्छा इवेंट इसमें एक आयोजित किया है, उसमें हमने हमारा जो ट्रैफिक रूल्स का जो एक चार्ट रहता है उसमें क्या करने के बाद क्या पनिशमेंट हो सकती है उसका हमने एक इलेबोरेशन यहाँ पे दिया है कि लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं है तो उसका क्या फ़ाइन है, वो सभी हमने चीज़ यहाँ पे दे दिया है। सेफ्टी के लिए मैं बस लोगों को 5 चीज़ें का अवेयरनेस करने के लिए बोलूँगा, एक ड्रंक एंड ड्राइव ना करें, दूसरा सीट बेल्ट और हेलमेट लगाएं, तीसरा सीट बेल्ट सिग्नल जंप ना करें, और जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है उनको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग करने के लिए दीजिए, और रॉन्ग साइड गाड़ी मत चलाइए। ये मैं 5 चीज़ें बताने बहुत ज़रूरी समझता हूँ।